तो दोस्तों पहले के टाइम में जब बॉलीवुड की फिल्में रिलीज होती थी ना, तो फिल्में रिलीज होने के पहले उन फिल्मों के पोस्टर रिलीज किए जाते थे, पोस्टर के बाद टीजर आते थे, टीजर के बाद ट्रेलर और फिर गाने और फिर जाकर फिल्म रिलीज होती थी। लेकिन इस साल कुछ माहौल चेंज हो चुका है और इस साल हमने देखा कि बॉलीवुड के कुछ बड़े बड़े सुपरस्टार्स की फिल्मों के अनाउंसमेंट के वीडियो रिलीज हुए, मतलब कि टीजर ट्रेलर पोस्टर तो बाद में आएंगे, सबसे पहले उन फिल्मों के अनाउंसमेंट वीडियो रिलीज किए। जैसे कि सुपरस्टार अक्षय कुमार के फिल्म बड़े मियां छोटे मियां का अनाउंसमेंट वीडियो रिलीज हुआ था, उसके बाद शाहरुख खान की फिल्म पठान का भी अनाउंसमेंट वीडियो रिलीज हुआ और अभी कल ही के दिन सुपरस्टार सलमान खान के फिल्म टाइगर 3 का भी अनाउंसमेंट वीडियो रिलीज हुआ। दोस्तों आपको बता दें कि यहां पे बड़े मियां छोटे मियां के अनाउंसमेंट वीडियो, टाइगर 3 के अनाउंसमेंट वीडियो और पठान के अनाउंसमेंट वीडियो में कहीं ना कहीं अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ बाजी मार गए। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि शुरुआती 24 घंटों में बड़े मियां छोटे मियां का जो अनाउंसमेंट वीडियो था उसे इतने ज्यादा व्यूज मिले हैं जितने व्यूज ना तो टाइगर 3 के अनाउंसमेंट वीडियो को मिले ना तो पठान के अनाउंसमेंट वीडियो को। जी हाँ दोस्तों, अगर बात करें कि शुरुआती 24 घंटों में इन तीनों ही फिल्मों के अनाउंसमेंट वीडियो में किस वीडियो पर सबसे ज़्यादा व्यूज़ आए, तो दोस्तों बता दूं कि बड़े मियां छोटे मियां का जो अनाउंसमेंट वीडियो था ना, उस पर शुरुआती 24 घंटों के अंदर 11.2 मिलियन व्यूज़ आए थे। वहीं दूसरे नंबर पर है सलमान खान की फिल्म टाइगर 3 का अनाउंसमेंट वीडियो, जिससे शुरुआती 24 घंटों में 5.3 मिलियन व्यूज़ आए। वहीं दोस्तों नंबर 3 पर है शाहरुख खान की फिल्म पठान का अनाउंसमेंट वीडियो, जिससे शुरुआती 24 घंटों में टोटल व्यूज मिले हैं 4.2 मिलियन। हालांकि दोस्तों बात करें लाइक्स की, तो शुरुआती 24 घंटों में पठान के अनाउंसमेंट वीडियो को लाइक्स मिले हैं 3,69,000, वहीं टाइगर 3 के अनाउंसमेंट वीडियो को शुरुआती 24 घंटों में लाइक्स मिले 3,33,000 और बड़े मियां छोटे मियां के अनाउंसमेंट वीडियो को 3,20,000। तो लाइक्स के मामले में शुरुआती 24 घंटों में पठान के वीडियो पर सबसे ज्यादा लाइक्स आए हैं, वहीं व्यूज के मामले में बड़े मियां छोटे मियां टाइगर 3 और पठान से काफी आगे निकल चुका है। हालांकि दोस्तों जो तीनों ही फिल्में हैं, यानी कि बड़े मियां छोटे मियां, पठान और टाइगर 3, ये तीनों ही फिल्में मल्टी स्टारर है। बड़े मियां छोटे मियां में हमें अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ देखने को मिलेंगे, वही टाइगर 3 में हमें सलमान खान और इमरान हाशमी देखने को मिलेंगे और पठान भी मल्टी स्टारर है, इस फिल्म में भी शाहरुख खान और जॉन अब्राहम देखने को मिलेंगे। और दोस्तों ये तीनों ही फिल्में अगले साल यानी कि 2023 में रिलीज होगी, तो तीनों ही फिल्मों से काफी ज्यादा उम्मीदें हैं कि ये तीनों ही फिल्में 2023 की तीन बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्में बन सकती है। हालांकि आपको क्या लगता है, बड़े मियां छोटे मियां, पठान और टाइगर 3 में कौन सी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सबसे ज्यादा कमाई करेगी? अपने राय आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।